Good morning students, today we are going to study about graphical representation of motion. Okay? कि motion जो है उसको हम किस तरह से graphically represent कर सकते हैं, उसके लिए हम line graph ले सकते हैं जिसमें हम एक physical quantity की dependence दूसरे physical quantity के साथ show करते हैं. For example, distance की अगर हमने dependence किसके ऊपर show करनी है, time के साथ show करनी है. Now let us start with distance time graph. Now let us start with distance time graph. The change in position of an object with time can be represented by distance time graph. Change in the position of an object with time. कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में टाइम के साथ क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, ओके, एंड टाइम के साथ आफ्टर 1 सेकेंड आई गो हियर, तो मेरी पोजीशन में बदलाव हुआ, मेरी पोजीशन में क्या हुआ, चेंज हुआ, टाइम के साथ चेंज हुआ. तो यही तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर किसी की पोजीशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ कोई चेंज होता है, उसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं. अब किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे. हम कन्वीनियंट स्केल के हिसाब से उसको ड्रॉ करते हैं और फिर बताते हैं. लेट अस स्टार्ट. देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप वेरियस कंडीशंस के ऊपर बना सकते हैं. आप यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके साथ आप बना सकते हैं. नाउ लेट अस प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. अगर आपका ऑब्जेक्ट है कोई, वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है. देखिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, हमें यूनिफॉर्म मोशन पता है, तो उस हिसाब से हम यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो लेट अस टेक Here we take distance in kilometer and time in hour. Okay? Suppose an object, जिस object की हम बात कर रहे हैं वो object है आपका car, उसको time लग रहा है. Suppose पहले वो 100 kilometer travel करता है 1 hour में. Okay? Next 200 kilometer takes 2 hour, 300 kilometer 3 hours, 400 kilometer 4 hour. Okay? अब ये ले लेते हैं points. Okay? अब देखिए इसका distance time graph कैसे plot होगा uniform speed के लिए. तो देखिए, एक तरफ आपको पता है graph, ठीक है, ग्राफ में जो आपका ये एक्सेस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सेस, और जो आपका वर्टिकल एक्सेस होता है इसे कहा जाता है वाई एक्सेस. ओके, तो अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सेस पे हम किसको प्लॉट करेंगे, टाइम, ओके, और यहां पर जो y एक्सिस है यहां पर हम किसे प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस. ओके, अब देखिए टाइम जो है आपका 1 hour, 2 hour, 3 hour इस फॉर्म में हो रहा है, तो देखते हैं इनको इक्वल बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो आपका 1 hour होगा, 1st, 2nd, 3rd, 3rd, 4rd एंड सो ऑन. जो टाइम है आपका किसमें गिवन है, आवर्स में. नेक्स्ट, ये आपका डिस्टेंस जो है वो किसमें गिवन है, किलोमीटर्स में. किलोमीटर्स कितने हैं आपके, 100, लेट अस टेक दिस 100, नेक्स्ट 200, नेक्स्ट 300, नेक्स्ट 400 एंड सो ऑन. ओके, अब ध्यान से देखिए,
देखिए 1 आवर में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट वो कितना कर रहा है आपका 100 किलोमीटर। तो देखिए 1 आवर में आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो कितना हो रहा है 100। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। आपने मैथ्स में ग्राफ प्लॉट करे ही हैं। देखिए टाइम में जो एक्स एक्सिस पे आपका पॉइंट है वो है 1 और जो आपका वाई एक्सिस पे पॉइंट है वो है 100। तो देखिए ये पॉइंट क्या आ गया आपका 100 एंड 100। इस तरह से आप मैथ्स में प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, टाइम लग रहा है 2 आवर, नेक्स्ट जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 200। तो 2 आवर और ये आ गया आपका 200। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस, ऐसे यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली 3 के लिए आपका आ जाएगा 300, 4 के लिए आपका आ जाएगा 400। ये ओके। अब अगर आप यहाँ पर ड्रॉ ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि देखिए इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपके ट्रैवल हो रहे हैं। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। ठीक है, तो आपके यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ किस तरह से प्लॉट होता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, एक लीनियर ग्राफ होता है। इस तरफ आपका टाइम आता है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस आता है। तो एक ऐसा ग्राफ आता है, एक लीनियर ग्राफ आता है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ जो होता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। Here two important point you should remember. First point is object cover equal distances in equal interval of time is your uniform speed. And second important point is that the graph is a straight line graph between distance and time for uniform speed. Uniform speed के लिए जो आपका distance time graph बनता है वो एक straight line graph बनता है. Okay? देखिए अगर हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। अगर हमने इससे स्पीड को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो हम इसके इसमें स्मॉल पार्ट पे हम क्या ले लेंगे, दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट एज ए एंड दिस पॉइंट एज बी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ए पॉइंट है इसके विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे और बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हम एक पैरेलल लाइन जो है एक्स एक्सिस से कॉरेस्पॉन्डिंग हम ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब यहां ध्यान से देखिए जहां पर ये दो पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो ये बी वाला पॉइंट है और जो ए वाला पॉइंट है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ये देखिए ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है आपका। ओके, तो यहां पर जो ये आपका डिस्टेंस है, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये आपका जो डिस्टेंस है नीचे का, तो यहां पर जो ये है ये दो टाइम के बीच में आपका टाइम इंटरवल दे रहा है। सपोज दिस वन इज t1 और ये आपका है t2। ठीक है, तो ये आपका नीचे वाला लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये क्या आ जाएगा आपका टाइम इंटरवल। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा आपका होगा टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अब देखिए इनके बीच में टाइम कितना लग रहा है। ऑब्वियसली बात है अगर यहां से लेके यहां तक आपका t2 है और यहां से लेके यहां तक आपका t1 है तो ये क्या आएगा आपका t2 - t1। तो टाइम इंटरवल आपके पास क्या आ जाएगा t2 - t1। सिमिलरली ये तो आपका आ गया टाइम इंटरवल और यहां से लेके यहां तक क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं, ये बी पॉइंट था आपका, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, लिख देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ से ये नीचे हॉरिजॉन्टल जो आ जाएगा ये आपका टाइम इंटरवल आ जाएगा जो t2 - t1 होगा और जो आपका ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में कितना आ जाएगा, ये आपका इतना डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस हमने s1 से रिप्रेजेंट कर रखा है और ये s2 से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका s2 - s1। ओके, अब यहां पर देखिए ये आपका हमने एक स्मॉल पार्ट लिया था इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर, तो ये जो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम है, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पीड है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें टाइम लग रहा है वो t2 - t1 लग रहा है और जो डिस्टेंस का आपका वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है s2 - s1। अब देख लीजिए स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन।
ओके डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना आ गया s2 माइनस s1, और टाइम कितना आ गया हमारे पास t2 माइनस t1, ओके तो ये हमारी क्या आ गई, हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ गई। अगर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कभी स्पीड को कैलकुलेट करना हो तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देख लीजिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी डिस्टेंस होगा जैसे 400 है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स 300 है, तो 400 माइनस 300 आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 400 माइनस 300 हो गया आपके पास 100, तो डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ गई 100। और यहाँ से टाइम कितना आ गया आपके पास, ये आपका 4 था या आपके पास 3 था, तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1 आर, तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड का फॉर्मूला होता है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, तो v आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस है 100 और टाइम आपको लगा है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा स्पीड विल बी 100 किलोमीटर पर आवर, तो आपका स्पीड का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हमने ग्राफ की हेल्प से अगर हमें कोड कहीं पर भी दो पॉइंट गिवन हो, ठीक है, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम स्पीड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्पीड कितनी आ गई, यहाँ पर आपकी स्पीड आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। नाउ वी विल डिस्कस डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जो प्रीवियस केस में हमने किया था वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए किया था, और अब जो हम केस करेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए करेंगे। फर्क क्या है, देखिए यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था, कि वहाँ पर जो टाइम गिवन था उनका भी डिस्टेंस, जो टाइम का जो इंटरवल था वो भी इक्वल था, और जो डिस्टेंस में इंटरवल था वो भी आपका इक्वल था। और यहाँ पर हम केस ले जाए नॉन यूनिफॉर्म का, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा आपका, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए यहाँ पर जो हमने टाइम का इंटरवल ले रखा है वो इक्वल है, यहाँ पर भी 2 का इंटरवल है, यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, 2 का एंड सो ऑन, बट यहाँ पर जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो डिफरेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें 1 है, यहाँ पर इनको देखें इंटरवल 3 है, यहाँ पर आगे देखें 5 है, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपका ग्राफ जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, सेम वैसे ही पैटर्न फॉलो करेंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम क्या प्लॉट करेंगे, टाइम प्लॉट करेंगे, और टाइम यहाँ पर हमने किस में ले रखा है, सेकेंड्स में, वी विल राइट हियर सेकेंड्स, ओके थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि यहाँ पर हम वो वैल्यूज भी प्लॉट कर सकें। अब देखिए टाइम इस तरफ हो गया आपका, ये टाइम इंडिकेट कर रहा है, और ये आपका डिस्टेंस हो गया, तो वाई एक्सिस पे हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा किस में, मीटर्स, तो वी विल राइट मीटर्स यूनिट ऑल्सो, तो ये आ गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। अब हम वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं जो जो गिवन है, ये तो आपका जीरो हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटरवल जो है आपका 1, 4, 9 और हाईएस्ट वैल्यू 36 आनी चाहिए, ठीक है, तो हम 5, 5 का इंटरवल बना लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35, बट हमारा लास्ट 36 है तो एक और बना लेते हैं हम, दैट इज 40, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है 40। सिमिलरली यहाँ पर भी हम शुरू करते हैं 2, 2 का है, या तो हम 2 का ही रख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40, ओके। अब ये तो हो गया हमारा टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया और वाई एक्सिस पे हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस। अब स्टार्टिंग का जो पॉइंट है डिस्टेंस के लिए वो भी जीरो है और टाइम भी आपका जीरो है, तो सबसे पहले तो हमारा ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट डिस्टेंस हमारा 1 मीटर है और सेकंड जो लग रहे हैं वो 2 सेकंड लग रहे हैं, तो डिस्टेंस 1 मीटर, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ कहीं आएगा आपका 0 और 5 के बीच में, 5 आपके डिविजन्स होते हैं, तो फर्स्ट वाले के इधर से और यहाँ से 2, ये पॉइंट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 4 एंड 4 इक्वल है, इधर से 4 है तो 5 से थोड़ा सा नीचे बनेगा और यहाँ पर बनेगा आपका 4, तो ये बन गया आपका 4। नेक्स्ट 9 और 6, 10 से थोड़ा सा नीचे आएगा आपका 9 और 6 है आपका यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया आपका 9, 6। नेक्स्ट 16, 8, 15 से ऊपर थोड़ा सा आएगा 16 और यहाँ से आएगा आपका 8, ठीक है। आप इस पे इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देख सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट आपका बनेगा।
ठीक है, तो ये आ गया आपका 16. सिमिलरली 25 और 10, तो डिस्टेंस है आपका 25 और यहाँ से आ रहा है आपका 10, तो ये 10 आ गया यहाँ तक, यहाँ से आ गया आपका 25, ये पॉइंट आ गया हमारे पास. नेक्स्ट आ गया हमारे पास 36 एंड 12. 35 से थोड़ा सा ऊपर 36 और यहाँ से आ जाएगा आपका 12 यहाँ और यहाँ से आ जाएगा 36 दिस पॉइंट. ओके, अब देखिए ध्यान से, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, ओके, अब देखिए इस ग्राफ को आप प्रीवियस वाले ग्राफ से कंपेयर करके देखिए. जो प्रीवियस में ग्राफ आया था वो कैसा आया था आपका, कुछ इस तरह से आया था. देखिए लीनियर था वो आपका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था. जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया था वो कैसा आया था, स्ट्रेट आया था. ठीक है, ये किसके केस में था, यूनिफॉर्म के केस में. तो ये था. और अब जो ग्राफ आ रहा है वो आपका कैसा आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ रहा है. ये आपका कैसा ग्राफ आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये आपका नॉन लीनियर ग्राफ है, ठीक है, इसमें वेरिएशंस आ रही हैं. तो इस तरह का ग्राफ जो बनता है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बनता है. ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपका यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और हम अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए प्लॉट करते हैं तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए नॉन लीनियर ग्राफ बनता है. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू. हो सकता है आपको ग्राफ दिया हो और वहां पर पूछा जाए कि कौन सा ग्राफ है, तो आप बता सकते हो. वहां पर ऑप्शन हो सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नन ऑफ द अबव, कुछ भी दिया जा सकता है. या फिर हो सकता है आपको क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आए कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, इज इट अ लीनियर और इज इट अ नॉन लीनियर और नन ऑफ द अबव, तो यू कैन गिव योर आंसर अकॉर्डिंगली. ओके, तो दिस इज द वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, so this is all about today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.